तो थिमा करने देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान दे बेशतर मंदिर, नाच गाने दे अखाड़े बने हुए बेशतर मंदिर, पखंड ते तरह तरह दे डिंब दे बने हुए ये मंदिर। अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल काली काली नूं तिलक दिओ। मैं तीन दिन लगातार गया, पहली दफा जब कलकत्ते गया से मंदिर देखा, तीन दिन मैं रोज गया। सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं, भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद विच पता चले कि काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे, ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां। शिकंजा उन्होंने एक बनाया होया मूर्ति दे सामने, ते शिकंजे च उन्ने वाले दिन ते संडे नूं कहिंदे संडा कढ़दे ने रोज बकरा कढ़दे। उत्थे वो खड़े होकर जो मंत्र मंत्र पढ़ते सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करते सन, मैं वो देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढ़दे ने, फिर वो खून दे तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रु आए हुंदे ने दर्शनार्थी उन्हां दे मत्थिआं ते लांदे ने, अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने, फिर उस बकरे का है मास उस मंदिर प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता है। प्रसाद है, प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैं तीन दिन लगातार देख के ना, तो क्या करनी उन्हें सोच लिया किधरे ये बड़े श्रद्धालु ने बड़े भगत ने, तीन दिन दे आ रहे हैं काफ़ी देर दे बैठे रहेंगे। तो मैं कह लगे सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है। मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा और कहीं नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से ये बूचड़खाना बनाया गया है। इसको मंदिर कौन कहेगा, यहाँ ना भजन ना बंदगी, खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है, और क्या है यहाँ। ये हकीकत है, भैरो है उन्हों शराब पिलाओ भैरो के मंदिर, कहने ने यह बर्फी नहीं खाता कड़ा प्रसाद है तो शराब पींदा, पेट करो शराब। पुजारियां ने आप शराब पीनी सी भैरो नूं अगे कीता, पुजारियां ने आप संडे खाने सन काली नूं अगे कीता, हकीकत इतनी। पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण की रास नूं अगे कीता, ते पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नूं अगे कीता, ते इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे, निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर बेच ग्रंथी सिंह कहते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करने वाले नो, पर किसी वक्त एक दरबार साहब बेच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्होंने ग्रंथी सिंह नहीं कहते सन, पुजारी कहते सन। कुछ समा यह रौरी ती रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना आए गुरु तेग बहादुर साहब, ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते, ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियां ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी, बड़ी महिमा बड़ी प्रतिष्ठा, ते उन्होंने डर पै गया इस मंदिर का मालिक आ गया ते साड़ी केड़ी गल लैनी, मालिक नूं बाहर ही रखो, आप मालिक बने रहो, कड्डो मालिक नूं बाहर। इस पुजारी तबके दे उत्ते पुराना ये बहुत वड्डा इल्जाम है गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं दाखल आउण दिता। वो जिहड़ा गुरुद्वारा तुसी देखदे हो खड़ा साहब, सतगुरु नूं इत्थे बैठना पिया, अंदर नहीं जा सकदे। ते मैं जो प्राचीन इतिहास ग्रंथां विच पंक्तियां पढ़ियां गुरु तेग बहादुर साहब जी दी रचना ते ये बोल निकले औखे ना होना, ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़ी है। पंक्ति इंज है, उस तरीके नाल नहीं है जिहड़ी आम कहिंदे ने अमृत सरी अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुओं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरीए, यह जिहड़ा पुजारी तबका अमृतसर दा है, यह जिहड़ा मसंद तबका अमृतसर दा है, यह मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन के अंतर सरिए। यह तो त्रिशना की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। त्रिशना ही प्रधान, माया ही प्रधान, इन्हों और कुछ नहीं।
गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं है। ये मसंद जो अमृत सरिये कृष्ण अगन के अंतर सरिये कहने एक वर भी दे गए माइया रब रजाइया। ये जी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले। मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इतों दियां बीबियां कर लैंदियां ने इहदे स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैनू वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ मसंद टोले कभी कभी वेख के उन्हां दी ईरखा वेख के ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के एक बोल भी याद आ जाते हैं। ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंतर सरिए आ भी हकीकत उजागर हो जाती है। आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव के बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया तो पुजारियों ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी रासा रच रच के लीला मंदरां विच रच रच के मंदरां नूं नाच गाणियां दा अखाड़ा बना दिता कुंभी नरक बना दिता। किधरे भैरो की मूर्ति रखो पिलाओ शराब किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां विच कट्ठे।